भारतीय जनता पार्टी के भाजपा को जाने अभियान के तहत गुरुवार को 6 देशों के राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि भाजपा प्रदेश कार्यालय पहुंचे। यहां सभी ने भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष व सांसद विष्णुधर शर्मा से मुलाकात करी, पार्टी के चुनाव रणनीति के संबंध में जानकारी प्राप्त की। प्रतिनिधि मंडल ने प्रदेश मीडिया सेंटर का भ्रमण भी किया। लोकसभा चुनाव को समझने के लिए 6 देशों के राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि मंडल मध्य प्रदेश के 3 दिवसीय दौरे पर हैं। विदेशी प्रतिनिधि मंडल चुनाव अभियान रणनीतियों को समझने के लिए भोपाल के वरिष्ठ नेताओं के साथ बातचीत करेंगे। प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा ने कहा कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एवं पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के प्रयासों से भारतीय जनता पार्टी पूरी दुनिया के दूसरे देशों के राजनीतिक ढांचे को आपस में समझ सके, इसके लिए कार्य कर रही है। उन्होंने कहा कि हमारा सौभाग्य है कि प्रतिनिधि मंडल के प्रदेश कार्यालय पहुंचने पर हम उनका स्वागत करते हैं। एक बात आज मैं आपको बताना चाहता हूं कि देश के अंदर लोकतंत्र के महापर्व पर दुनिया के सबसे बड़े राजनीतिक दल और आज मोदी जी के नेतृत्व में भारत जिस प्रकार से आज दुनिया का नेतृत्व कर रहा है, तो दुनिया के देशों के पॉलिटिकल पार्टी के रिप्रेजेंटेटिव भारत के अंदर भारतीय जनता पार्टी के चुनाव प्रबंधन को अध्ययन करने के लिए आए हैं। आज 6 देशों के प्रतिनिधि, आज मेरे साथ भी उनका यहाँ पर बातचीत हुई है, फिर प्रबंधन की टीम के साथ वो बैठे हैं। आज माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी का दौरा सागर लोकसभा के सिरोंज क्षेत्र में, आज उनकी रैली है, बड़ी सभा है, उस सभा को भी देखने के लिए वो 6 देशों के प्रतिनिधि, जिसमें इजराइल भी है और युगांडा भी है, नेपाल भी है, मॉरिशस भी है, ऐसे 6 देशों के प्रतिनिधि वहाँ भी आज वो रहेंगे। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।